कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम पर बयान दिया और कहा कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस चाहते हैं कि मतदान के लिए मतपत्र वापस लाए जाएं। इसी के साथ अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग रखी कि हमें ईवीएम नहीं बैलेट पेपर चाहिए। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ईवीएम पर दिए गए बयान पर भाजपा विधायक जवाहर सिंह बेदम ने कहा कि आज के तकनीकी युग में जब मतदान का आंकड़ा चरम पर है, चुनाव आयोग ने सभी दलों और उनके मुख्यमंत्रियों के सहमति से ईवीएम का इस्तेमाल शुरू किया। कांग्रेस की मानसिकता ऐसी है कि जहां वे चुनाव जीतते हैं वहां कहते हैं कि लोगों ने हमें पसंद किया और भाजपा को नकार दिया। जहां भी लोग उन्हें वोट नहीं देते वहां वे ईवीएम पर आरोप लगाते हैं। लोग समझ चुके हैं कि कांग्रेस सनातन विरोधी और भारत विरोधी है। जिस पार्टी के पूर्वजों ने देश को तोड़ा वे आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत अखंड है। कांग्रेस नेता खड़गे को इसके बजाय पीएम मोदी की विकास उन्मुखी विचारधारा के साथ होना चाहिए और विपक्ष की भूमिका सकारात्मक रूप से निभानी चाहिए ताकि भारत वर्ष 2047 तक एक विकसित देश होने का अपना संकल्प पूरा कर सके। कि 18वीं लोकसभा का चुनाव संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चला और सबसे कामयाबी हमको जो मिली इस संविधान बचाने के लिए उनका एक भारत जोड़ो यात्रा और दूसरा लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी एससी एसटी बैकवर्ड्स माइनॉरिटीज इंटेलेक्चुअल्स ये सब आगे आ गए। इसीलिए हम मोदी जी को रोक पाए, नहीं तो मोदी जी डिक्टेटर बनते थे। आज उनको मेजॉरिटी नहीं है, वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है आज की। एक टांग उन्होंने टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की लगा ली है, एक टांग उन्होंने हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर क्या नाम तो उनकी टांग लगा लिए हैं। ये दोनों टांग लगा लेके चल रहे हैं मोदी जी। कल एक बात कही, ईवीएम पर सवाल उठाए और कहा कि बैलेट से मतदान चाहते हैं और यदि आवश्यकता पड़ी तो कांग्रेस इसके लिए एक बड़ा अभियान भी चलाएगी देश भर में ताकि जो मतदान हो वो बैलेट पेपर से हो। क्या कहना है आपका? देखिए, मैं समझता हूँ कि खड़गे साहब का ये बयान अपरिपक्वतापूर्ण बयान है। अब जब टेक्नोलॉजी का जमाना है और मतदान अधिक से अधिक हो उसके लिए सभी पार्टियों के सहयोग से, सभी पार्टियों की सहमति से ईवीएम का उपयोग भारत निर्वाचन आयोग ने चालू किया था। जहां तक इनका ईवीएम पर आरोप है तो इनकी मानसिकता ये हो गई कि जहां ये चुनाव जीतते हैं वहां तो ये कहते हैं कि जनता ने हमें पसंद किया है और भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है, और जहां जनता इनको नकार देती है वहाँ बेचारी ईवीएम पर ये आरोप लगाते हैं। आपने कहा कि खड़गे साहब ने ये कहा, मैंने बयान सुना नहीं, लेकिन आपने कहा है कि वो एक यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, एक अभियान चलाने की बात कर रहे हैं। तो जनता इनकी सभी बातों को समझ चुकी है कि ये सनातन विरोधी हैं, ये भारत विरोधी हैं, ये पाश्चात्य लोगों के प्रभाव में आकर, जो पश्चिमी देश हैं उनके प्रभाव में आकर के भारत की राजनीति में उनका प्रवेश चाहते हैं। भारत की जनता इसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। देख लिया ना, उन्होंने खाट यात्रा निकाली उत्तर प्रदेश में, क्या हुआ? इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। जिन लोगों ने भारत तोड़ा उनके पूर्वजों ने, वो भारत जोड़ो की बात करते हैं। भारत तो जुड़ा हुआ है ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत माननीय नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 और 35 एक खत्म करके इस देश को, नहीं विश्व को संदेश देने का काम किया है कि जहां जहां भी भारत की सीमाएं कांग्रेस के राज में दबी हुई हैं, हम समय रहते उन सबको वापस लाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना पूरा करने का काम करेंगे। इन्होंने अभी आपने देखा होगा